हैं YouTube कुकिंग चैनल प्लेट एंड प्लेयर विद शेफ ताहिरा। व्यूअर्स, हम नित नई रेसिपीज ट्राई करते हैं, नित नई डिशेज बनाते हैं और उस वक्त तक हमें कोई भी सालन, कोई भी ग्रेवी अच्छी नहीं लगती जब तक फुलका, चपाती या रोटी हमारी परफेक्ट ना हो। तो परफेक्ट रोटी किस तरह से बनती है? परफेक्ट आटा गूंधा हुआ हो तब। तो आज मैं आपके साथ बहुत अच्छी परफेक्शन से गूंधा हुआ आटा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। 1.5 kg आटा ले लिया है, चक्की का आटा है देसी। 1 लीटर से थोड़ा सा ऊपर पानी है और इसमें 1 teaspoon सॉल्ट जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इस तरह से हम होल करेंगे, फिर हम इसमें पानी डालेंगे ऐसे, और बिस्मिल्लाह ऐसे हम इसके साथ साथ हल्का हल्का से दबाते जाएंगे। अच्छा, बेहतरीन बात मैं आपको बताऊं कि सुन्नत भी है, आपने जब भी आटा गूंधे सर को कवर रखें, हाथ आपके धुले हुए होने चाहिए, बावजू हो के गूंधे तो बहुत अच्छी बात है। बिस्मिल्लाह पढ़ें, बरकत भी पड़ती है आपके खानों में, आपके रिस्क में। अगर आपके पास 1.5 kg आटा है तो 1.5 liter आपने पानी, यानी 1.5 liter पानी यूज़ नहीं करना, आपने लेस करना है। अब जहाँ से लगे कि थोड़ा सा गिल्टियाँ बन रही हैं, उकड़ियाँ सी बन रही हैं, आप थोड़ा सा पानी और ऐड करें। मैंने 1.25 liter पानी लिया है। अब देखें इस पॉइंट पे, यहाँ पे मैं इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। मिलते हैं 15 से 20 मिनट के बाद। 15 से 20 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको गूंदना शुरू करेंगे। और इस तरह से थोड़ा सा रेस्ट दे कि आप आटा गूंदेंगे तो आटा आपका बहुत ज़बरदस्त गूंदेगा। दबाते जाना है आपने, और फिर यहाँ से इकट्ठा करें, और थोड़ा सा पानी आपको ज़रूरत है आप ऐड करें। अब इस साइड पे ले आएं, थोड़ा सा पानी और इस तरह से मिक्स करें। घुमाते जाएं और साथ साथ इकट्ठा करते जाएं इस तरह से। फिर आपको फील हो रहा है कि ये चिपक रहा है अभी भी, तो आप थोड़ा सा पानी ऐड करें, छींटा लगाएं, और फिर इस तरह से आटे को घुमा कर साइड चेंज करें। तकरीबन 6-7 भी गूंदना है, तभी जाके आपका जो फुलका है वो अच्छा बनेगा, आपकी रोटी जो है तभी जाके अच्छी बनेगी। साथ साथ पानी ऐड करते जाएं और सेट करते जाएं। अब इसको तकरीबन 3 मिनट मैंने गूंद लिया है। अब इस पॉइंट पे मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, हल्का से छींटा लगाएंगे, और फिर इस तरह से आटे को घुमाएंगे, फिर टर्न करेंगे। अब देखें साइड्स जो हैं वो साफ होना शुरू हो गई है। फिर थोड़ा सा छींटा लगाएंगे से आटे को सेट करेंगे, फिर गूंदेंगे इसे। साथ में हम अपनी जो परात है, बाउल है, उसको राउंड में घुमाते जाएंगे, फिर इस तरह से इसे सेट करेंगे।
अब हम इसे आधे घंटे का रेस्ट देंगे और आधे घंटे के रेस्ट के बाद आपने फुलके बना लेने हैं, चपाती बना लेनी है, तो ये रेडी हो गया। तैयार है हमारा बहुत जबरदस्त सा गूंदा हुआ आटा। इस मेथड से गूंदें, आपकी रोटी चपाती बहुत जबरदस्त बनेगी। हाफ आवर का इसको रेस्ट दें। व्यूअर्स, आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दुआ में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी तक। अल्लाह।